हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव IAS। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम पास्ट 6 मंथ्स में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट होगा, शायद इसके 4 या 5 पार्ट आएंगे, हो सकता है 7 भी आ जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं G7 कंट्रीज़ की। ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इस साल इसकी 45th समिट हुई थी फ्रांस में। 45th समिट हुई थी फ्रांस में। इंडिया को स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। G7 क्या है? G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1975 में फॉर्म हुआ था। इनिशियली ये US के द्वारा एक अफोर्ड था, फिर उसके एलीज के साथ मिलके ताकि इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस कर पाएँ, तो इकोनॉमिक इश्यूज पे फोकस किया गया था। G7 ग्रुप ऑफ 7 जिसको कहते हैं, इसमें कंट्रीज है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US। इनके नाम आपको याद रखने हैं। मेन अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी पे काम करते हैं। पहले इसको G8 भी कहते थे क्योंकि रशिया ने इसको 1997 में ज्वाइन किया था। 2014 में रशिया को इससे बाहर निकाल दिया था क्योंकि यूक्रेन का जो क्राइमिया रीजन है उसका अनेक्सेशन किया था रशिया ने, तो उसे देखते हुए रशिया को निकाल दिया। तो G8 से ये G7 हो गया 2014 के बाद से। एनुअल समिट होती है इसकी और जो लीडर्स होते हैं मेंबर कंट्रीज़ के वो रोटेशनल बेसिस पे प्रिसाइड करते हैं। मतलब आज इस साल इसका नंबर है, इस साल उसका नंबर है, तो कंट्री रोटेशनल वाइज जो है प्रेसिडेंसी हर साल होती है। कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं नॉन बाइंडिंग होते हैं, किसी पे बाइंडिंग नहीं होते कि करना ही है जो भी डिसीजन लिए गए। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये तो आपको याद रखना ही है। G7 अगर मेंस के परस्पेक्टिव से मैं आपको बताऊं तो G7 के कई इश्यूज आ रहे हैं सामने। जैसे कि आप देखेंगे कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब आप एक तरफ UK US को देख लीजिए और एक तरफ इटली फ्रांस को देख लीजिए, मतलब इनइक्वालिटी गैप बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, USA का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है इसमें क्योंकि US की प्रायोरिटीज़ ज़्यादा ली जाती है। इकोनॉमिक इश्यूज़ तक लिमिटेड है ये, मतलब टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन और क्लाइमेट चेंज इनसे रिलेटेड यहाँ पे इशू डिस्कस नहीं होते। दूसरी बात कि ये जो इश्यूज़ हैं वो इसलिए भी सोल्व नहीं हो पाते क्योंकि और कंट्रीज़ को साथ में लेना आवश्यक है। G7 कंट्रीज़ अकेले ये चीज़ें सोल्व नहीं कर सकती। रशिया चाइना को ना लेके इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जिस तेज़ी से बढ़े हैं, G7 की रिलेवेंस उतनी ही गिरती जा रही है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि रशिया के साथ अगर टेंशन्स बढ़ती गई और चाइना को इनको अगर इंक्लूड नहीं किया गया तो इसकी रिलेवेंस धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसके साथ ये इशू है G7 कंट्रीज़ के साथ। अब G7 है, वैसे G4 भी है। इसमें हमारे ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान 4 कंट्रीज़ हैं। ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान चारों कंट्रीज़ एक मकसद से G7 ग्रुप बनाती हैं, ग्लोबल फोरम बनाती हैं। मकसद उनका ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट लेनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, ठीक है, ऐसी G20 है आपका। अब G20 से भी कॉम्पिटिशन मिल रहा है G7 को। G20 में आप देखेंगे तो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब क्यों? क्योंकि ग्लोबल GDP 80% ही रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमारा इंडिया भी आ गया और आप देखेंगे कि चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, UK, मेक्सिको, ये सब इसके अंदर आ गए। इंडोनेशिया, इटली, जर्मनी, इनके मेंबर्स जो हैं आपको याद रखने हैं। तो अभी तो आपको याद नहीं होंगे वीडियो में, तो एक तो आपको ये याद रखना है कि G4 का मेंबर है इंडिया, G20 का मेंबर है और G77 का मेंबर है, ठीक है। बाकी जो G7 है, G5 है, G6 हैं, इनका मेंबर नहीं है। G77 भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 134 डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस, एक दूसरे के इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वाडा, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी,
बहुत बार न्यूज़ में थी, क्योंकि रशिया भी अभी रशिया पे भी बैन लगा। वाडा, वाडा के बारे में पढ़ लेते हैं। वाडा आया था आपका 1999 में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इनिशिएटिव था ये। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, जो मैं आपको स्क्रीन पे बताना भूल गया, लिखना भूल गया, तो इसमें आप लिख लीजिएगा मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। और IOC के द्वारा ये बनाया गया था। वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड इसका चलता है, और ये वर्ल्ड की एंटी डोपिंग एजेंसी है। वैसे हमारी नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी देश की, है ना। तो रशिया की रूस्काडा कुछ ऐसे, ये रूकाडा कुछ मुझे याद नहीं आ रही। तो ऐसे नेशनल एजेंसीज भी होती हैं जो कि वाडा के कोऑर्डिनेशन में काम करती है। अब जैसे कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड का ढंग से मॉनिटरिंग हो रही है, नहीं हो रही, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब ये देखती है। इसका जो कोड है वो नॉन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, जो केवल मेंबर्स ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं उन पर लागू होता है। एक लीगल फ्रेमवर्क है बेसिकली, जिसमें जो भी दिक्कतें सामने आती हैं। अच्छा देखिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड है, लेकिन यूनेस्को का इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग, ये अलग से कन्वेंशन है, आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया इज सिग्नेटरी है कन्वेंशन का, है ना। तो वाडा का वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड है, यूनेस्को का कन्वेंशन है। कन्वेंशन जो है ये, अब अगर मैं कन्वेंशन की बात करूँ तो कन्वेंशन तो एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, ताकि फंडिंग भी प्रोवाइड कराता है। कोड एक नॉन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, है ना। कन्वेंशन अलग चीज़ है, कन्वेंशन लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये क्या है? देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मैं बात करूँ तो ये नॉन फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वही स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स के लिए काम करता है, वर्ल्ड को बेटर बनाया जाए स्पोर्ट्स के जरिए। बहुत पहले आ गया था, 1894 में ही आ गया था ये, 1894 में आ गया था। और ओलंपिक मूवमेंट का सुप्रीम अथॉरिटी से माना जाता है, बाकी ओलंपिक गेम्स और जितने भी गेम्स वगैरह सब के ये उसके लिए काम करता है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी आपको याद रखना है। अबाउट साउथ साउथ ट्रायंगल कोऑपरेशन, साउथ साउथ ट्रायंगल कोऑपरेशन इसकी किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं? बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों था पहले ये देख लीजिए। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंटरनेशनल डायलॉग अभी हुआ साउथ साउथ और ट्रायंगल कोऑपरेशन पे न्यू दिल्ली में। इसमें ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है आपके लिए, हालांकि इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि साउथ में जो कंट्रीज़ हैं उनका एक कोऑपरेशन के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, टेक्निकल डोमेन्स में, और स्किल्स बढ़ाने की बात की गई। और जो ट्रायंगल कोऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल जो कोऑपरेशन है ये बेसिकली डोनर ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए इनिशिएटिव्स के लिए काम करता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी सिस्टम बढ़ाने के लिए काम करता है, तो सेल्फ रिलायंस बढ़ाने का काम करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो ये आपको याद रखना है। उसका जो डायलॉग हुआ था प्रिलिम्स के ऑब्जेक्टिव से याद रखना कि ये अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में हुआ था इंटरनेशनल डायलॉग। बेसिक कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो बेसिक कंट्रीज़ न्यूज़ में थी क्यों? देखो, बेसिक कंट्रीज़ की अभी 28th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी क्लाइमेट चेंज पे साओ पोलो ब्राज़ील में। 28th मिनिस्ट्रियल मीटिंग साउथ पोलो ब्राज़ील क्लाइमेट चेंज पे हुई थी। अब जो 28th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, बेसिक कंट्रीज़ कौन सी हैं? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना बेसिक कंट्रीज़ हैं। बेसिक कंट्रीज़ आपका बना था, एक एग्रीमेंट के तौर पे बना था, एग्रीमेंट के परिणाम स्वरूप बना था, चार कंट्री का ग्रुप, नवंबर 28, 2019 में। और हाल ही में आपको मैंने बता दिया कि साओ पोलो में ब्राज़ील में इसकी मीटिंग हुई थी। सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि एक तो ब्रॉडली कॉमन पोजिशन रहती है इनकी, ठीक है, मतलब ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने की बात करते हैं, फंड्स जनरेट करने की बात करते हैं, और काफ़ी अब एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं ये। और ये जो कंट्रीज़ हैं आपस में यही बहुत आप कह सकते हैं वर्ल्ड का जो ज्योग्राफिकल एरिया उसको कवर करते हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 40% है और एक साथ मिलजुल के यूनाइटली बात करते हैं, ऐसा इसका ऑब्जेक्टिव है। और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भी ये काम कर रहे हैं, तो बेसिक ग्रुप की इम्पोर्टेंस है। UNIDO
यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हम बात करते हैं। बेसिकली इसका ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पहली बात तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और जो स्किल जो सेक्टर्स है स्किल अथॉरिटीज़ के साथ मिलके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है ताकि स्किल डेवलपमेंट की जा सके, टेक्निकल मैन पावर की जा सके, और एक स्पेशल टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम कर रहा है हमारे साथ मिलके, कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, जो कि हमारे कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स है ना, कोल, डीजल और ये ऑयल वगैरह, इनके ऊपर जो टेक्नोलॉजी आएंगी नहीं, कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजीज उस पर काम कर रहा है। तो क्यों है न्यूज़ में ये तो आपको पता चल गया, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्या है, ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोट करने में काम करती है, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, ग्लोबलाइजेशन बढ़ाने के लिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मेंबर है, 170 स्टेट्स इसके मेंबर हैं यूएनआईडीओके। रेगुलरली डिस्कस करते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स को डिसाइड करते हैं, और लीमा डिक्लेरेशन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब जो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2013 में, उसके 15 सेशन जब हुआ था 2013 में, तो उस लीमा डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि लीमा डिक्लेरेशन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यूएनआईडीओ के साथ जुड़ा हुआ है। ये डिक्लेरेशन बेसिकली इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एसिलेटेड और प्रमोट करने में काम करता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है। बाकी इसका जो मैंडेट है वो फुली रिकॉग्नाइज्ड किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है 9 में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, इंक्लूसिव सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करने में। बाकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के साथ ही मिलके हमारे देश में काम कर रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो ये आपको याद रखना है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रॉस्पेरिटी में बढ़ाने में, कॉम्पिटिटिवनेस में, नॉलेज और इंस्टीट्यूशंस बढ़ाने में, इन्वायरमेंट में, सब पे ये काम करता है। तो गाइस ये था हमारा पार्ट फर्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।